दोस्तों आज हम आप पहुंचे एक विशाल फैक्ट्री में, जहां पर एक नौजवान भाई ने एक कमाल का सेटअप लगाया, जहां पर बहुत सारी मशीनें हैं जो फुल ऑटोमेटिक काम करती हैं और लकड़ी को काट कर एक बेहतरीन चीज बनाते हैं। चलो जानते हैं पूरा कॉन्सेप्ट और देखते हैं इस वीडियो को। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया अपना नाम बता दो। मेरा नाम है शाह फैसल और मेरी फर्म का नाम है कमल इंडस्ट्रीज। जी, तो आपके यहाँ पे क्या कार्य होता है? हमारे यहाँ पे चम्मच बनती है, लकड़ी की चम्मच, आइसक्रीम स्टिक्स, जो चोकोबार स्टिक्स होती है, किसानों से लकड़ी परचेज करते हैं, जिसके बाद हम इसको लकड़ी को ऐसे काटते हैं ताकि ये छोटे हो जाए और पीलिंग मशीन पे जाके लग जाए। ये ब्लॉक्स वहाँ से यहाँ पर आए हैं, ठीक है, और उसके बाद इसका छिलका उतारा जा रहा है ताकि ब्लेड की धार ना खराब हो। इसका जो बक्कल है ये उतार लेंगे, ये रखा हुआ है जी। यहाँ से ब्लॉक उठाया और उसके बाद पीलिंग मशीन पे ले गए। पीलिंग मशीन पे ये होता है कि यहाँ ब्लेड होता है जो पट्टे उतारते हैं, और यहाँ पे इसमें डिवाइडर लगे हुए होते हैं, ठीक है, ताकि जितना स्पून का साइज चाहिए उस हिसाब से पट्टे उतार के अपना चम्मच बना सकते हैं। कितने शीट कटती है भैया से? 2 mm। 2 mm की शीट कटती है, जाते जाते ही निकल जाएगी इस तरफ जी, ठीक है। कितनी लंबी शीट निकलती होगी भैया? जितनी मोटी लकड़ी होती है। ये देखिए, ये हमारी शीट आ गई, ठीक है, और जो नीचे पट्टे पड़े हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये सब काम के हैं, सब ये इधर इसके बीच में लग जाते हैं। अब ये जो ट्रे बन चुकी है, ये उठकर यहाँ पे आएंगी सारी शीट्स, इन्हें ट्रे बोलते हैं। कहाँ पे जाएंगी अभी ये? अब कटिंग मशीन पे जाएगी जहाँ पे चम्मच बनेगी। और जैसे मैं शीट देख रहा हूँ, कितनी शीट होंगी ये? करीब करीब 50 से लेकर आप 100 शीट एक साथ काट सकते हो। यहाँ पे मोल्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। हाँ, ये इस तरीके के इसमें मोल्ड भी होते हैं, ये देख सकते हैं। ये चाट की चम्मच होती है, चाट ये 95 to 110 mm तक की ये इसका साइज होता है। अलग अलग कोई सा भी आप साइज निकाल सकते हो इस मशीन से। ये अंदर नीचे इसे पंच करेगा जी, चम्मच को उठाएगा, ये बाहर निकल के आएंगे इसमें जी, और इस तरीके से कार्य से चम्मच निकलती रहेगी। ये चम्मच है, ये देखिए निकल, ये ऐसी चम्मच निकल जाए। इसमें नमीपन है अभी भी? हाँ, ये 50% इसमें मॉइस्चर होता है, गीला होता है। अगर गीला नहीं होगा तो प्लाई नहीं उतरेगी और ना कटिंग होगी। तो मैक्सिमम कितनी चम्मच निकल जाती होंगी एक बार में? एक स्ट्रोक में 200 चम्मच भी निकल जाती है। ये वहाँ से कटिंग होने के बाद यहाँ पे सन ड्राई होता है, तो कितनी देर धूप देनी पड़ती है? गर्मी में 4-5 घंटे और सर्दी में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 से 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी कितनी देर से रखी हुई है यहाँ पे? ये बस सूख गई है, सुबह से रखी हुई है। ये येलो थी गीली होने की वजह से, अब ये व्हाइट हो गई है। स्पून सूखने के बाद जो है पॉलिशिंग करते हैं। ये पॉलिशिंग ड्रम है, ये रोटेट होता रहेगा आपस में फ्रिक्शन खा के, लकड़ी जो लकड़ी की स्पून होती है, आइसक्रीम स्टिक्स होती है, फ्रिक्शन खा के अपना आप ही पॉलिश हो जाती है जी। और जैसे मैं इसे घूमते हुए देख रहा हूँ, कितनी देर तक घुमाएंगे इसको ऐसे? ये 3 से 4 घंटे घुमाएंगे और बहुत ही बढ़िया इसकी फिनिशिंग हो जाती है। आओ मैं दिखाता हूँ कि इसकी फिनिशिंग में क्या इफेक्ट आता है। ये आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, पर अगर आप हाथ में लेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही पॉलिश हो चुका है। और ये जो ये विदाउट पॉलिश है, ये बहुत रफ है। तो पैकिंग होती ऐसे है कि उसकी एक गिट्टी बनाई जाती है 10 पीस की 15 पीस की 20 पीस की, एज ए रिक्वायरमेंट इन मार्केट, मतलब मार्केट में जो रिक्वायर होता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। ऐसे गिट्टी बनाने के बाद इसको आपस में जोड़ के हम इसको ऐसे पैकेट बना देते हैं, पॉलिथीन में रैप कर देते हैं और टेप इस पे लगा देते हैं जी। पैकेट ऐसा नजर आता है। एक ये होती है, ये आइसक्रीम कप में लगती है। फिर उसके बाद एक ये होती है, चोकोबार स्टिक्स भी कहते हैं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इस्तेमाल होती है। ये हमारा एक अपना मॉडल है, ये यूनिक डिजाइन है। ये हमारे बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ऐसी होती है जहाँ पे पेस्ट्री मिलती है, पेस्ट्री पर्पज के लिए हमने अलग से बनाया है। ये हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला है। अच्छा, अगर किसी को आपसे चम्मच लेनी हो, कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8958270137 पर। भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।